हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और आज है हमारे पास द नेक्सॉन XM वेरिएंट। पब्लिक की डिमांड पे सारे मांग रहे थे इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, सबसे कहता आ रहा था XM। लेकिन आज की वीडियो में आपको रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि नेक्सॉन XM इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ द नेक्सॉन, स्पेशली पेट्रोल में। फीचर्स कवर करेंगे, साथ साथ इंटीरियर दिखाऊंगा और आपको इसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों शेयर करूंगा विद रियल लाइफ माइलेज मेंटेनेंस आफ्टर द सर्विस एज वेल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब से एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे उसके चाहिए बेस्ट रेट्स, क्विकेस्ट डिलीवरी और आपको चाहिए उसकी टेस्ट ड्राइव्स भी, तो व्हाट्सएप पे मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए विद योर नेम, सिटी, फोन नंबर एंड ऑफकोर्स द कार यू आर इंटरेस्टेड इन। मेरी टीम में से आपको कोई कॉल करेगा और आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवा देगा। पहले आपके साथ कुछ की हाईलाइट शेयर कर देता हूँ कि क्यों मुझे इसका XM वेरियंट अच्छा लगता है। बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, 7.70 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे फॉर द पेट्रोल मॉडल, डीजल में 9.20 है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, चाहे वो ड्राइव मोड्स हो, चाहे वो LED DRLs हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो। चलो फीचर्स तो इंटीरियर के अलग डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं इसके वॉक अराउंड एनालिसिस के साथ। इस प्राइस में बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि आपको बड़ा टाटा का पूरा बैज मिल जाएगा, साथ में क्रोम लाइनिंग मिलेगी ऑन द फ्रंट साइड, यहाँ पर छोटी सी आपको ग्रिल मिलेगी ऊपर की तरफ, नीचे आपको प्रॉपर एक इनटेक मिल जाएगा, एयर इनटेक, बम्पर बहुत ही स्पोर्टी लगता है स्टैंड देने के लिए। SUV लुक अगर किसी की आती है तो वो नेक्सॉन में ही मिलेगी आपको। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और यहाँ पर हेलोजन आपको मिलेंगे फॉर योर हाई बीम, नॉर्मल आपको बल्ब्स मिल जाएंगे। क्रोम का बहुत अच्छा काम किया गया अंदर भी और बाहर भी। लाइट्स ही मेजरली पुरानी वाली नेक्सॉन से नई वाली नेक्सॉन में चेंज की गई है और यहाँ पर पूरा डार्क ब्लैक आपको ग्लॉसी फिनिश दी गई। साथ के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके इंडिकेटर्स जो बहुत अच्छे लगते हैं। DRLs आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत लोगों को लगता है यहाँ पर इसके DRLs है, बट ऐसा नहीं है। फॉग लैम्प हाउसिंग है, इसको बाद में आप करवा सकते हो, बहुत ही कम कीमत में आप यहाँ फॉग लैम्प्स करवा पाओगे। ब्लैक ग्लॉस फिनिश यहाँ भी मिल जाएगी आपको। और जहाँ तक बात आती है साइड प्रोफाइल की, तो छोटी छोटी चीज़ें ना नेक्सॉन को स्पेशल बनाते हैं, जैसे कि लाइट के पास यहाँ नेक्सॉन की एक बैजिंग दी गई है, प्यारी लगती है। और ये XM वेरिएंट में ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा आपको। साइड में ऑफकोर्स आपको यहाँ अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर मिलेंगे आपको व्हील कवर स्टील व्हील्स के साथ। लेकिन कहने की बात ये आ जाती है कि आप छोटी छोटी चीज़ें करवाएंगे ना, जैसे अलॉय व्हील्स करवा लिए गाड़ी में, तो ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि ये मिडल वेरिएंट है या वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर टॉप वेरिएंट है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रॉपर सेरेमिक की कोटिंग मिल जाती है पूरी, और ऊपर भी आपको रूफ रेल्स मिलेंगे, और यहाँ पर भी पूरी फिनिशिंग के साथ पीछे ब्लैक आउट आपको सी पिलर भी मिल जाएगा। तो कमी ऐसे कहीं पर महसूस नहीं होती कि यार ये चीज़ डिज़ाइन में कम किया गया या कुछ, ऐसा नहीं है। बिकॉज टेल लैम्प्स भी आपको LED यहाँ पर मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे लगते हैं और चेंज किए गए हैं। हालांकि हाउसिंग सेम है पहले वाली नेक्सॉन जैसी, लेकिन LED की वजह से अभी थोड़ी अप मार्केट लगने लग गए हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको अभी भी बल्ब वाला ही मिलेगा। सिर्फ मैं पीछे तक आता हुआ पूरा दोनों लाइट्स को मैच करा रहा है यहाँ पर नेक्सॉन की बैजिंग, टाटा का लोगो, ये सारी चीज़ें ना टाटा की इस नेक्सॉन को स्पेशल बनाती हैं डेफिनेटली। नीचे की तरफ भी आपको पूरा SUV स्टांस देने के लिए अलग अलग ग्रूविंग्स दी गई हैं, रिफ्लेक्टर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ब्लैक ग्लॉस का काम यहाँ पर भी, स्पेस मैनेजमेंट में बूट स्पेस भी इंपॉर्टेंट रहती है कि आखिर लगेज कितना लेके जाना है आपको। तो 350 लीटर्स की आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी सीधी सीधी, जिसमें आप बड़े बैग्स बहुत इजीली रख सकते हैं। हालांकि अगर मैं इसके बूट लिप की बात करूँ तो आपको ये थोड़ा सा हाई ज़रूर मिलता है कि सामान आपको उठाकर ही ऐसे रखना पड़ेगा, आप स्लाइड कर भी नीचे नहीं ला सकते। लेकिन स्टोरेज स्पेस अच्छी है जो इस सेगमेंट में लीडिंग में आ जाती है, 363 भी है, 350 लेकिन सेकेंड हाइएस्ट आ जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फीचर्स से, यानी कि इंटीरियर में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि आपको मैनुअल AC ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा, एक्सप्रेस कूल का फीचर भी मिलेगा, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी विद ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड आपको कॉलिंग वाले फीचर्स भी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि वॉइस कमांड्स नहीं मिलते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। AC कंट्रोल्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, साथ में एक छोटी सी यहाँ स्क्रीन मिलेगी फॉर योर रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्शंस, म्यूज़िक वगैरह के लिए सब कुछ मिलेगा। बाकी आप अपनी पेन ड्राइव भी यहाँ लगा सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। हालांकि ये एज अ स्टोरेज इतना अच्छा यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज नीचे को प्लग्स हैं, स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर ही थोड़ी सी जगह दी गई है एज कप होल्डर्स
एंड उसके साथ साथ आपको मिल जाएगी यहाँ पर छोटी सी स्टोरेज, और हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग सही तरीके से की गई है जिसकी वजह से स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ हैंड ब्रेक आती है नॉर्मल गाड़ियों में और स्टोरेज मिसिंग हो जाती है। ड्राइव मोड्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। सिटी, इको एंड स्पोर्ट सजेस्ट करूंगा, सिटी वाले मोड पे सिटी लगाओ, इको मोड हमने सिटी में नहीं चलाना है। इको इज़ फॉर द हाईवे, स्पोर्ट्स इफ़ यू वांट टू हैव सम पावर। ड्राइव रिव्यू आप इसका देख सकते हो, उसमें प्रॉपर ड्राइव मोड्स यूज़ किए गए हैं। बूट ओपनिंग के बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ में आप बोनट ओपन करना चाहते हैं उसका बटन भी आपको मिल जाएगा यहाँ। हालांकि यहाँ स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन ग्लॉसी फिनिश यहाँ स्टेयरिंग भी दी गई है थोड़ी अप मार्केट फील देने के लिए। लेदरिंग का काम यहाँ एज सच नहीं किया गया, सिर्फ गियर नॉब पर आपको थोड़ा सा लेदर मिलता है, स्टेयरिंग पर नहीं मिलेगा। बाहर से करवा सकते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे उसके नहीं लगेंगे। सामने की तरफ आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देखेंगे तो आपको RPM रेंज वाला सारा डिजिटल मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको इंजन टेम्परेचर और फ्यूल की ऑप्शन मिलेगी। सेंटर में आपको मिलेगा तो स्पीडोमीटर, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, साथ में आपको फ्यूल कितना है वो तो राइट साइड पर आ गया, और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको डेट टाइम एम्प्टी वाला डिस्टेंस टू एम्प्टी वाले फीचर्स है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ORVMs आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल, 4 speakers बाय हर्मन, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि ऐसे नहीं कि चलो टॉप मॉडल में अच्छे वाले स्पीकर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छे 4 speakers ही मिलेंगे। बाकी फीचर्स ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बात करते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की, यानी कि मेरे कंफर्ट में, तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मैनुअल वेरिएंट होने के बावजूद आपको एक डेड पेडल दिया गया है हाईवेज के लिए, जहाँ पर आप अपना पैर यहाँ पर इजीली रेस्ट कर सकते हैं। जब आप इसका चलो टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नॉर्मल स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो एक अच्छा फीचर है। हालांकि मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेड पेडल यूज़ करें, बिकॉज फिर आपका पैर इनएक्टिव हो जाता है एक तरीके से, और वापस आपको लेके आने में टाइम लग जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसीज, बट स्टिल कंपनी ने कंफर्ट के हिसाब से सोचा है तो इट्स अ रियली गुड थिंग। सीट्स कंफर्ट रियली गुड, बिकॉज आपको एक हगिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा, बहुत सॉफ्ट नहीं है बहुत हार्ड नहीं है, तो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आपको स्टिफनेस मिल जाती है सीट से, जो आपको एक लॉन्ग राइड्स पे दिक्कत जिसमें आपको नहीं आएगी। कंफर्ट में ही मुझे अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि आर्मरेस्ट तो आपको यहाँ राइट साइड नहीं मिलती है, लेकिन आपको फिर भी आर्म थोड़ी सी रखने की जगह है, एंड राइट साइड पे तो आपको आम रखने की जगह है ही ऑफ कोर्स डोर पैनल पर, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बात करते हैं गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स के बारे में, तो हर चीज़ बटन्स वगैरह बिल्कुल सही प्लेस्ड है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, चाहे हैंड ब्रेक हो चाहे पावर यूज़ वगैरह करना हो, यानी कि USB पोर्ट वगैरह का बटन्स, वॉल्यूम कंट्रोल, ट्यूनिंग का कंट्रोल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, सारे आपके लेफ्ट कंट्रोल्स, राइट कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। बाकी जो डिटेल रिव्यू है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्टोरेज की जहाँ पर बात आती है, तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको ऊपर की तरफ यहाँ स्टोरेज मिल जाती है, प्लस आपको थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ भी मिल जाएगी, आप रख सकते हैं, बट उससे आपको स्क्रीन दिखनी बंद हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने ऑप्शन दी है छोटा मोटा सामान यहाँ रखने के लिए। ऐसा सच राइट साइड पर ड्राइवर वगैरह के लिए जो जगह बहुत थोड़ी सी एक दी गई है, हार्डली कीज़ रखने के लिए बेसिकली, यहाँ कुछ स्लिप्स वगैरह अगर उसमें रखनी हो तो, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक और स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर बेसिकली पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन दी गई है, या बाहर से करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी ह्यूज स्टोरेज मिल जाती है, मेक इन इंडिया का बैज भी मिलेगा, और उसके साथ साथ कप होल्डर की ऑप्शन मिल जाएगी, रख सकते हैं खोल के बीच में कप रख लिए, या फिर आप रख सकते हैं कुछ फाइल्स वगैरह, और फिर बड़ी स्टोरेज है और प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस, लोगों ने यूटिलिटी स्पेस का नाम देकर यहाँ पर ग्रूव्स बनाए हुए हैं। उसी तरह आपको डोर साइड्स के ऊपर भी काफ़ी ग्रूव्स मिल जाएंगे फॉर योर अम्ब्रेला, बॉटल्स एंड वॉट नॉट। रही बात अब बिल्ड क्वालिटी की, इंटीरियर की, देखो बाहर जो स्ट्रक्चर क्वालिटी वो तो हमें पता है कि 5-star है, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी भी इट्स गुड है, तो सारा हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये बेंड होता है, विच मीन्स फ्लेक्सिबल वाली साइड आ जाता है, तो यहाँ पर इजीली क्रैक्स नहीं आने वाले हैं, और इस चीज़ की भी क्वालिटी वगैरह बढ़िया है। बटन्स की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले बैक वगैरह सेटअप, होम वगैरह, और इवन वॉल्यूम नॉब्स का भी आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के कहने वाली बात ये है कि 7.7 लाख के शोरूम प्राइस पे अब आपको और क्या चाहिए, आपको मिल रहा है टर्बो चार्ज इंजन, पावरफुल 120 BS की पावर, 170 टॉर्क आपको मिल जाएगा यहाँ पर, साथ के साथ टाटा जैसी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी, यानी कि 5-star रेटिंग, आपको सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, ड्राइव बोर्ड भी आपको मिल जाएंगे। सिटी की अगर मैं माइलेज आपसे बात करूं, कंपनी क्लेम तो चलो हम डिफरेंट चीज़ है, सिटी में आपको इसकी 12 के आसपास माइलेज मिलती है, और आपको वही बात करते हैं हाईवेज पे तो 15-16,
और क्रूज कंट्रोल हाईवे पे, इस पे क्रूज नहीं है बट अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे, नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको 20 प्लस इजीली मिल जाती है। अगर क्रूज कंट्रोल फीचर होता तो 23, 24 भी लोगों की आती है। इनफैक्ट मेरी भी 1.2 टर्बो पेट्रोल चार्ज इंजन टर्बो चार्ज में आती है क्रूज कंट्रोल के साथ। तो घूम फिर के दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि आपको पूरा एक फुल ऑन पैकेज मिल जाता है फॉर योर फैमिली। स्टोरेज स्पेसेस अच्छी हैं, यूटिलिटी है, रही सिर्फ जहाँ ड्रॉबैक आता है वो आता है आफ्टर सेल सर्विस का। अगर आपके शहर में आपका डीलर आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो गो फॉर इट, नो इश्यूज एट ऑल। वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, बिकॉज टाटा कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आई थी डीलर लेवल पे। उतना अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर स्पेस में, जो बैक साइड आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको प्लेंटी ऑफ लेग रूम, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है, तीन लोग भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हेडरूम भी मुझे काफ़ी सही मिल जाता है, कोई 6 फीट का होगा तब उसको शायद हो सकता है थोड़ी सी कमी लगे यहाँ पर हेडरूम में बाद में, मतलब लाइक जब बहुत लंबे समय के लिए बैठना है। और थाई सपोर्ट मुझे नहीं लगता है ऐसे प्रॉब्लम हो, क्योंकि ग्रूव काफ़ी आगे तक आता है। यहाँ पर एक ही चीज़ है, जो हम्प है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो मुझे लगता है थोड़ा छोटा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगी, आपको स्पीकर्स और ट्विटर भी मिल जाएंगे, जो 4 स्पीकर सिस्टम है, ट्विटर की ऑप्शन है यहाँ पर, वो आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, बट 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं XM वेरिएंट में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। टॉप वेरिएंट में आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे आपको मिलेंगे इंटीग्रेटेड, और व्यू लेकिन मुझे यहाँ से अच्छा लगता है बिकॉज रिक्लाइन सीट्स का अच्छा है, और मुझे एक बड़ी गाड़ी में बैठने का एहसास जो है वो डेफिनेटली आ जाता है। तो आपको पीछे बैठ के भी इस गाड़ी में मज़ा आएगा बिकॉज ऑफ द लेग रूम, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट। जैसा मैंने सीट की कुशन बताया कि सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस है, तो अच्छा लगता है आपको। अब बात करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, जैसे कि मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी वगैरह। रीसेल भी देखनी है, कंपटीशन भी देखना है। तो यहाँ पर वारंटी के नाम पर आपको 2 ईयर 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, लेकिन आई पर्सनली फील ये 3 साल एटलीस्ट होनी चाहिए थी। मतलब 75,000 नंबर ज़्यादा है पर 2 ईयर्स बहुत कम है, तो आई कम्प्लीटली फील कि 3 ईयर्स तो मिनिमम यहाँ चाहिए थी। या फिर आप, मैं वैसे सजेस्ट करूँगा, अगर आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, उसमें एक्सटेंडेड वारंटी ईयर्स की ज़रूर ले लें, चाहे आप पेट्रोल ले रहे हैं चाहे डीजल ले रहे हैं, वारंटी ज़रूर एक्सटेंडेड ले लें, बट कंपनी को ये पहले से प्रोवाइड करना चाहिए। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है डेफिनेटली। रही बात, अब दूसरी तरफ चलते हैं इसकी आफ्टर सेल सर्विस में या मेंटेनेंस वगैरह ओवरऑल बात करते हैं, तो सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं आती बिकॉज पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन है, 1.2 लीटर है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, और XM वेरिएंट में तो काफ़ी कम आती है बिकॉज फीचर्स भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा आपको कोई 2,000 से लेकर 3,000 के बीच में आपकी सर्विस कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी विद ऑल द चार्जेस। एंड रही बात इसके, अब ऊपर चलते हैं जहाँ पर बात आएगी आफ्टर सेल सर्विस की, तो यहाँ पर टाटा में इम्प्रूवमेंट की जगह है। मैं पूरा एग्री करता हूँ कि टाटा इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस में, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जगह है, हो जाए तो यार मज़ा आ जाए। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ अच्छी हैं, अगर इंजन बेटर हो जाए और आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर आपके साथ रीसेल वैल्यू का, तो टाटा की नेक्सॉन में रीसेल आपको लेकिन अच्छी मिल रही है, बेशर्ते गाड़ी को कुछ हुआ नहीं है। ऑफकोर्स वो तो किसी भी गाड़ी के साथ होगा। कंपटीशन रेडी की बात करें तो 5-स्टार रेटिंग के साथ नेक्सॉन आती है, तो बिग थम्स अप फॉर दैट। सेफेस्ट कार्स में कंसिडर की जाती है इंडियन में XUV 3W और टाटा नेक्सॉन है, तो काफ़ी देर से यही 5-स्टार रेटिंग वाली थी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्लस ये है कि आपको कंपटीशन रेडी में बात करते हो तो इतने फीचर्स किसी भी इस प्राइस वाले में, यानी कि बेस पीरियड में XE XM में, किसी भी गाड़ी में और इतने फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे विद अ टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड उसके साथ साथ इतनी बड़ी सेफ्टी और साथ में बड़ी स्पेशियस गाड़ी भी, जिसमें बूट स्पेस भी आपको अच्छी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको रियर स्पेस भी अच्छी मिलेगी। तो ये था मेरी तरफ से द टाटा नेक्सॉन XM वेरिएंट का डिटेल्ड वॉक अराउंड एनालिसिस, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि यार ऋषभ भाई ने गाड़ी तो ये चलाई नहीं, वो भी चलाई है, पहले चलाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिटेल रिव्यू के लिए। आज मैं पब्लिक की डिमांड पर सिर्फ XM वेरिएंट ही आपके लिए लेकर आया, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दें, नीचे करें कमेंट अपना ओपिनियन कि आप हमारे बारे में, चैनल के बारे में और उस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। इनफैक्ट अगर आपको वीडियो नहीं भी अच्छी लगी, डिसलाइक करने का मन कर रहा है, तब भी अपना रीज़न ज़रूर बता दें कि आप क्यों इस वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि अगली बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।